है एवरीवन वेलकम टू यू ऑन आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ पद्मसी एकेडमी एज यू नो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल टुडे वी स्टार्ट लेसन ऑफ मैथ्स विद अ गुड चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज पेरिमीटर व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर पेरिमीटर पेरिमीटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज स्टूडेंट्स तो देखो फर्स्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन देखिए सबसे पहले वर्ड है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है पेरीमीटर क्या लिखा हुआ है पेरीमीटर तो पेरीमीटर होता क्या है क्योंकि अगर हम किसी भी चैप्टर के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट अपना ये होना चाहिए कि उस चैप्टर के बारे में जो उस चैप्टर का नेम है वो है क्या उसके बारे में डिस्क, डिस्कस करो उसको समझो पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं ये होता क्या है तो वो हमें डिस्कस करना है तो देखो इसमें क्या लिखा है द डिस्टेंस अराउंड अ सेप द डिस्टेंस अराउंड अ सेप मैं आपको बता दूँ पेरीमीटर की अलग अलग बुक्स के अंदर बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिलेगी ठीक है तो डेफिनेशन तो आपको समझना है ही साथ में इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है ठीक है इजी है वैसे कोई इससे ज़्यादा साइंस वाली बात नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा साइंस प्रोकर लिख गया इसके अंदर बहुत दीजिए है जैसे देखो ये आपके सामने लिखा हुआ है इसके अंदर दस सेकेंड यस डिस्टेंस अराउंड ए सेप जैसे मेरे पास कोई भी सेप है वेट 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 ओके डिस्टेंस अराउंड ए सेप मेरे पास कोई सेप है कोई फिगर है एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है है ना हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ इसे लास्ट वाली क्लास के अंदर काफ़ी अच्छे से डिस्कस की थी है ना उम्मीद करता हूँ कि सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो आपने लर्न की और आपको अभी तक वो सारी याद है है ना क्योंकि इसके बिना फिर इसमें भी हमारे वो थोड़ा बहुत यूज़ आएगा साथ में ओके द डिस्टेंस अराउंड द सेब ये आपके पास फिगर है इसमें पेरीमीटर कौन सा होगा जैसे मानो ये है ना ये एक बटरफ्लाई है ये बटरफ्लाई क्या कर रही है ये स्टार्ट हुई यहाँ से इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हुई है है ना ये जा रही है पहले इधर गई फिर इसके बाद में इधर गई फिर इधर और फिर इधर जा के क्या आ गई जहाँ से स्टार्ट होते ना वहीं पे वापस आ गई है ना यानी कि क्या किया इसने यहाँ से इधर फिर इधर फिर इधर और फिर वापस यहाँ पे आ गई तो देखो इसने क्या किया जो भी अपना फिगर था ना रेक्टेंगल यहाँ से स्टार्ट होकर इधर इधर और इधर है ना इसका पूरा एक कम्प्लीट राउंड करके वापस वहीं पर आ गई जहाँ पर जहाँ से इसने स्टार्ट किया था है ना तो इसका जो तो कंप्लीट एक राउंड हो गया ना कंप्लीट इसे हम पेरीमीटर बोलते हैं क्या बोलते हैं पेरीमीटर तो पेरीमीटर की अलग अलग बुक्स के अंदर आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी आपको पेरीमीटर समझना है कि पेरीमीटर होता क्या है कोई भी फ़िगर है क्लोज होना चाहिए सबसे पहले तो अगर मैं इसका एक कंप्लीट राउंड कर लूँगा ना यहाँ से इधर इधर और इधर तो ये इसका पेरीमीटर है है ना हम अलग लैंग्वेज के अंदर इसको बाउंड्री बोल सकते हैं है ना इसको क्या बोल सकते हैं बाउंड्री ठीक है फिगर की से बाउंड्री बोलो मैं आपको इसके लिए अच्छे से लिख देता हूँ है ना जस्ट अ सेकेंड पेरीमीटर है ना पेरीमीटर के साथ में आपको अलग अलग डिफिनेशंस अलग अलग बुक्स के अंदर जो मिलेगी फर्स्ट हम इसको बोल सकते हैं बाउंड्री बी ओ यू एन डी ए आर वाई हम इसको बाउंड्री भी बोल सकते हैं बाउंड्री ऑफ द फिगर उस फिगर की बाउंड्री उस फिगर का पेरीमीटर ही होता है अराउंड द सेप डिस्टेंस अराउंड है सेप जो भी मेरे पास है जो भी मेरे पास फिगर है अगर मैं उसका पूरा एक राउंड लगा लूँ अगर मैं उसका पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लूँ जैसे मैंने ये बताया था ना ये बटरफ्लाई क्या कर रही थी यहाँ से ये बटरफ्लाई पहले इधर फिर इधर फिर इधर और फिर इधर वापस यहाँ पर आई थी तो इसने क्या किया इसने इसका पूरा एक राउंड किया तो ये क्या होता है ये होता है उसका पेरीमीटर ओके तो पेरीमीटर मेरे हिसाब से सबको सब आ सब गया डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने अराउंड ए डिस्टेंस राउंड यानी कि उसका पूरा एक राउंड कम्प्लीट करना या फिर हम उसको बाउंड्री भी बोल सकते हैं उस पीकर की बाउंड्री या फिर हम इसको बोल सकते हैं सम ऑफ़ ऑल साइड सम ऑफ़ ऑल साइड मैंने आपको बताया था जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगल है कितने साइड होते हैं इसके अंदर फोर वन टू थ्री एंड फोर अगर मैं इन फोर को प्लस कर दूँ सबको तो भी मुझे क्या मिलेगा मुझे इसका पूरा राउंड मिलेगा तो सारी साइड को प्लस करने से भी क्या मिलता है पेरे मिलता है है ना तो पेरिमीटर की थ्री डेफिनेशंस हो गई इधर डिस्टेंस जस्ट अ सेकंड डिस्टेंस अराउंड अ शेप बाउंड्री ऑफ द फिगर एंड टोटल ऑफ ऑल साइड्स सारी साइड को प्लस करने से भी क्या मिलता है पेरिमीटर आप तीनों में से कोई भी लिखोगे आपका हमेशा करेक्ट काउंट होगा ओके तो ये लिख देना इजी रहेगा द डिस्टेंस अराउंड अ शेप मीनिंग विद समझ में आ गया और आपको डेफिनेशन से भी समझ में आ गई, ओके okay, अब आप देखो इसके अंदर हमें पढ़ना है पेरीमीटर किसका लास्ट क्लास के अंदर हमने किसका पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था रेक्टेंगल एंड स्क्वायर तो आज हमें रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया तो हम पढ़ चुके हैं आज हमें पढ़ना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर तो उसके देखो आप मैं आपको जस्ट अ सेकेंड यस यहाँ से देखो इसके अंदर फर्स्ट ओके okay. गुड नाइज ओके ना फर्स्ट रीड द क्वेश्चन राइट द पेरिमीटर सॉरी राइट द पेरिमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर व्हाट डू यू ये क्या लिखा इधर 6 सेकंड बीच में आ गया सॉरी यस व्हाट इज द पेरिमीटर ऑफ द ईच ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स व्हाट डू यू इंफर फ्रॉम द आंसर सीधी से बात है व्हाट इज़ द पेरीटर तो आपसे पेरीमीटर ही पूछा है इसका अब आप मुझे पहले तो ये बताओ ये फिगर है क्या इस फिगर का नेम क्या होना चाहिए कल ही हमने कल ने सॉरी लास्ट क्लास के अंदर जब भी हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था ये क्या है रेक्टेंगल व्हाट इज़ द फिगर इट इज़ अ रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ये हम पहले पढ़ चुके हैं आज आपको इसका जो पेरीमीटर है ना उसका फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा बिना फॉर्मूला अगर आप करोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे तो फार्मूला क्या है इसका देखो बहुत दीजिए वैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ है ना ये यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट्स क्या होता है लेंथ एंड बी में क्या होता है ब्रेथ तो लेंथ कौन सी होती है ये लेंथ होती है और ये क्या होती है इसकी ब्रेथ होती है वैसे मैं एल और बी को अलग अलग मान लेना इसको अगर मैं लेंथ मान लूँ इसको मैं लेंथ मान लूँ इसको ब्रेथ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस में लिखे हुए हैं ना तो आंसर विल बी सेम आप चाहे किसी को एल मानो किसी को बी मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर सेम आएगा वापस तो एल और बी आप अपने हिसाब से मान लेना उसमें कोई दिक्कत नहीं है मोस्टली ये होता है है ना इसको हम एल मानते हैं है ना एल और ये क्या होता है बी तो ऐसे ही ऋण दो जब आपके अगर बुझे में नहीं रहेगा फॉर्मूला क्या है इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट एल प्लस बी ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है आगे की सारी क्लासेज में आपके बहुत यूज़ में आएगा ओके okay, तो किसी भी कंडीशन में आपको ये वाला फॉर्मूला ढंग से लर्न करना है टू मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट एल प्लस बी ऐसे बोलते हैं इसको टू मल्टीप्लाई इन ब्रेकेट एल प्लस बी एल और बी को ब्रैकेट में भी क्लोज़ करना है ब्रैकेट का क्या यूज़ होता है ये आपको थोड़ा सा आगे की क्लासेज करना बताएंगे जब हमारी क्लासेज अपने क्लासरूम में लगेंगे ना उस टाइम से ढंग से समझा देंगे अभी फार्मूला लर्न करो आप ये सफिशेंट है हमारे लिए अब देखो इसमें सोल कैसे होगा ये जैसे ये लिखा हुआ इधर सेकेंड यस पेरीमीटर और रैक्टेंगल टू मल्टीप्लाई एल प्लस बी तो टू की जगह टू आ गया एल इसका लेंथ क्या था फोर्टी ऊपर के फिगर में देख लेंगे हम वापस अभी एल लिख दिया फिर बी 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 मीस ब्रेथ ब्रेथ कितना था इसका टेन सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखो मीटर तो मीटर लिखो यूनिट भी लगानी है मोस्टली स्टूडेंट्स देखा है मैंने यूनिट नहीं लगा रहे हैं जिनके आंसर आ रहे हैं वो यूनिट नहीं लगा रहे हैं तो इन दोनों को लिख दिया मैंने साथ में मल्टीप्लाई में टू है तो टू भी लिख दिया अब पहले क्या करना पड़ेगा पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा बोडमास सुना है कभी बोडमास बोडमास के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले सोल्व करना पड़ेगा बी बी मिस ब्रैकेट पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा देखो यहाँ पर फोर्टी प्लस टेन फिफ्टी तो ये इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है इसने पहले फिफ्टी लिखा है इसने पहले टू से मल्टीप्लाई नहीं किया किसी को है ना तो पहले ब्रैकेट ही सोल्व होगा फर्स्ट सोल्व द ब्रैकेट बाई बोडमास रूल बोडमास के अकॉर्डिंग आपको ब्रैकेट सोल् करना पड़ेगा ओके डन फोर्टी प्लस टेन फिफ्टी फिफ्टी को किससे मल्टीप्लाई करना है टू से टू से क्यों ये टू लिखा ना फॉर्मूले में बार है ना तो ये क्या हो जाएगा टू मल्टीप्लाई फिफ्टी इज इक्ल टू हंड्रेड और पीछे क्या लिखा था फिगर में सेंटीमीटर लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था सेंटीमीटर इसलिए यहाँ पे क्या मिल गया आपको सेंटीमीटर है ना ये क्या हो गया इसका पेरीमीटर अब देखो वापस देख लो एक बार टू मल्टीप्लाई एल प्लस बी इन ब्रैकेट एल प्लस बी कर दिया मैंने फिफ्टी आ गया साथ में टू से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर विल बी हंड्रेड ये अपना आंसर हो गया कंप्लीट अगर आपको रिवर्स चेक करना है वापस अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो थोड़ा सा सेंस चाहिए इसके अंदर अगर ये फिगर है मेरे पास मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ सी वाले पॉइंट से सॉरी डी से मान लो डी से स्टार्ट हुआ इधर गए इधर गए इधर और इधर वापस कहाँ आ गए डी तो ये कंप्लीट जो राउंड है ना ये कितने का होगा तो आप ऐसे ही काउंट कर लो फोर्टी प्लस टेन फिफ्टी फिफ्टी एंड फोर्टी नाइन्टी नाइन्टी एंड टेन हंड्रेड आंसर क्या आएगा हंड्रेड इसका भी आंसर क्या आया था हंड्रेड तो हमारा ये भी करेक्ट है दोनों का आंसर कैसा आ गया सेम इधर से भी हंड्रेड आ गया और इधर से भी हंड्रेड लेकिन एग्जाम में ऐसे करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले वहाँ पर है ना तो फॉर्मूला लर्न करना है अच्छे से ठीक है ईजी है एल और बी की वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूला के अंदर और उससे हमें क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा ओके लुक एट द नेक्स्ट रेक्टेंगल हो कंप्लीट एल ओ बी में आ गया फॉर्मूला सेन में आ गया अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर के बारे में किसके बारे में स्क्वायर यस स्क्वायर फर्स्ट टेल में द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर पहले मुझे आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए फर्स्ट क्या था उसके अंदर फर्स्ट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल स्क्वायर में सारे साइड इक्वल थे और सारे एंगल भी कैसे थे इक्वल किसके इक्वल 90 डिग्री के इक्वल ये अगर 5 सेंटीमीटर सॉरी इसमें लिखा हुआ है तो हम 5 सेंटीमीटर नहीं मान सकते इसके अंदर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर सारे 10 10 सेंटीमीटर एंगल होंगे क्यों क्योंकि ये एक स्क्वायर है एंड स्क्वायर स्क्वायर हैज़ ऑल साइड्स आर इक्वल ओके साइड तो हमें सारी मिल गई इसके अंदर अब देखो अगर थोड़ा सा हम सेंस काम मिल रहे हैं हमें पहले ही आंसर मिल जाएगा क्यों मुझे सारी साइड मिल गई मुझे इसका पेरेमीटर निकालना है पेरीमीटर क्या होता है कंप्लीट राउंड करना है यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे गया फिर यहाँ पे गया फिर यहाँ पे गया फिर यहाँ पे गया तो देखो टेन ट्वेंटी थर्टी एंड फोर्टी हमें पहले ही पता है इसका आंसर क्या आएगा फोर्टी आएगा है ना तो आप रिवर्स चेक करने के लिए कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है उसके लिए हम पहले ही इसको सोलह से कर सकते हैं लेकिन ऐसे आप ओनली औरली कर सकते हो ठीक है आपको बुक के अंदर पूरा फॉर्मूले से करना पड़ेगा नोटबुक के अंदर एग्जाम के अंदर ठीक है ताकि आपको फॉर्मूले की भी अलग से मार्क्स होते हैं मैथ्स के अंदर ठीक है तो ये दादाजी क्या अच्छी बात है लेकिन फॉर्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए नहीं तो फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं फिर ओके देखो किस में क्या लिखा हुआ है इसमें भी वही लिखा है ये उसी का क्वेश्चन है ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा फाइंड द पेरे ऑफ द स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सही रंग से देखो फोर मल्टीप्लाई साइड और ये साइड अगर आपने सुना है तो आपको यह भी बताना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर अगर लर्न है तो हमने क्या लिखा था उसके अंदर साइड मल्टीप्लाई साइड है ना साइड को साइड से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है इसका एरिया मिलता है है ना लेकिन यहाँ पर हम एरिया के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं पेरीमीटर के बारे में तो पेरीमीटर का फॉमूला फोर मल्टीप्लाई बाई साइड है ना साइड को फोर से मल्टीप्लाई करना है क्या मिल जाएगा इसका टर मिल जाएगा और हमें क्या फाइंड करना है पेरीमीटर इसका तो बहुत दीजिए है, है ना देखो फोर मल्टी साइड फोर की जगह फोर लिखना ही है साइड आपको एग्जाम आपके जो क्वेश्चन वगैरह आएंगे उसमें लिखे हुए मिलेगी जैसे इसमें टेन सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये मैंने लगा दिया टेन फोर को टेन से मल्टी करने से क्या आ जाएगा फोर्टी तो आंसर क्या आ गया फोर्टी सेंटीमीटर और हमारे पहले भी फोर्टी आया था है ना तो पेरीमीटर इसका फाइंड करना बहुत ईजी है क्योंकि इसमें एल और बी तो है नहीं ओनली एक ही साइड होती है वो सारी इक्वल होती है तो फोर इन साइड करना है आपको साइड को फोर से मल्टीप्लाई कर दो क्या मिल जाएगा पेरीमीटर ठीक है उम्मीद करता हूँ ये तो आपको ईजी लगा होगा और ईजीली हो भी गया होगा हमसे है ना अब देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको रेक्टेंगल का बता दिया है ना रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे फॉमूला क्या है टू मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट एल प्लस बी जैसे ये लिखा हुआ इधर है ना इस वाले फॉर्मूले को आपको लगना है बहुत अच्छे से और वन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फोर मल्टीप्लाई बाई साइड टू क्वेश्चन करवा दिए टू क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए अच्छे से और फिर मैं आपको होमवर्क दे दूँगा इसका है ना ओके जस्ट अ सेकेंड यस लुक एट द फिगर आपको ऊपर जो लिखा है ये क्या है हमारे पास स्क्वायर और ये क्या है हमारे पास रेक्टेंगल फर्स्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ये जो स्क्वायर है आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे हम व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फोर मल्टीप्लाई बाय साइड तो साइड को किससे मल्टीप्लाई करना है फोर से देन फोर मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द साइड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव सारे इक्वल है तो so किसी भी ट्वेंटी फाइव को लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 25 25 सेंटीमीटर भी साथ में लगा दो सेंटीमीटर लिखा तो सेंटीमीटर लिखना है और मीटर लिखा है तो मीटर लिखना है 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा हंड्रेड है ना नहीं आता तो आप इसको टेबल से कर लेना पहले फोर को फाइव से ट्वेंटी ट्वेंटी का जीरो टू इसके ऊपर आएगा फोर मल्टीप्लाई टू एट एट प्लस टू तो टेन तो आप ऐसे भी कर सकते हो मेरे तो तो को मल्टीप्लाई तो सबको आता होगा मेरे हिसाब से ना तो आंसर क्या गया? 100 गया? आ गया हंड्रेड सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर है ना समझ आ गया फोर मल्टीप्लाई साइड आ गया फोर की जगह फोर साइड की जगह ट्वेंटी फाइव दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आंसर विल बी हंड्रेड सेंटीमीटर ओके okay, ये हो गया अपना कंप्लीट एक और देखो इसके नीचे वाला एंड देट इज ए रेक्टेंगल है ना रेक्टेंगल में क्या करना है आपको रेक्टेंगल के अंदर फॉर्मुला क्या लिखा था हमने इसके अंदर भी आपको पेरीमीटर ही फाइंड करना है क्योंकि हम आज हमारे चैप्टर का नाम ही पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था टू मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट एल प्लस बी करेक्ट एल प्लस बी है तो टू जगह टू आएगा मल्टीप्लाई वाट इज द एल एल मिस लेंथ तो किसको मानते हैं इसको मानते हैं ना क्या जाएगा थर्टी प्लस का प्लस बी बी मिस ब्रेथ ब्रेथ कितना आएगा इसका ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ब्रैकेट क्लोज फर्स्ट क्या करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा तो टू की जगह के टू रहने दो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई थर्टी प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू फिफ्टी है ना तो इन दोनों को प्लस करने से फिफ्टी मिल गया टू मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी इज इक्वल टू वन हंड्रेड क्या आ जाएगा वन हंड्रेड और पीछे क्या लिखा है सेंटीमीटर देन यू हैव टू पुट सेंटीमीटर ओके मीटर आएगा तो हम क्या लिखेंगे मीटर लिखेंगे ठीक है ये भी इजी एसन में आ गया टू मल्टीप्लाई एल प्लस बी एल के जगह आपको लेंथ लिखना है इसका एंड बी के जगह क्या लिखना है ब्रेथ और आप फिर क्या करना है इसको सोल्व करना है सोल कैसे करना है ब्रैकेट का सोल करना है थर्टी प्लस ट्वेंटी फिफ्टी और बार जो फॉर्मूला में टू है इसको इसे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ओके ये भी अपना हो गया कंप्लीट तो मैंने आपको टू क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर एंड टू क्वेश्चन ऑफ रेक्टेंगल के अच्छे से प्रिपेयर करवा दिए सही ढंग से, से फॉर्मूले के साथ सही ढंग से, से समझाकर। अब आपको होमवर्क के अंदर क्या करना है होमवर्क के अंदर मैं आपको दूंगा टू क्वेश्चन जस्ट अ सेकेंड यस फॉर हिंट यू नो देट इज़ ए रेक्टेंगल एंड देट इज ए स्क्वायर ये आपका रेक्टेंगल है यह आपका स्क्वायर है आपको दोनों का क्या करना है देखो इसको आप ये क्वेश्चन हो गया हमारा ए इसको क्वेश्चन नंबर ए मानना आप इसको हम क्वेश्चन में क्या मानेंगे बी है नाकि ना? कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आप जब मेरे को लिख के भेजोगे ना तो बी रहेगा इसको आपको क्या मानना है क्वेश्चन नंबर ए एंड देट इज क्वेश्चन नंबर बी और फाइन क्या करना है दोनों का पेरीमीटर फाइन करना है क्या फाइन करना है पेरीमीटर देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है पेरीमीटर फाइन द पेरी मीटर ऑफ ए एंड बी यह आपका ए है और यह आपका बी है ओके नाओ वी हैव कम्पलीटेड आवर लेसन हमने अपना लेसन कम्प्लीट कर लिया पेरीमीटर के बारे में पढ़ा पेरीमीटर क्या होता है किसी भी फिगर का उसका एक पूरा राउंड है ना उसका एक पूरा राउंड लगाओ सारी साइड को प्लस करो या उसकी बाउंड्री इसको हम क्या कहते हैं इसको हम उसका पेरीमीटर कहते हैं ओके तो ये हो गया अपना कंप्लीट आगे के जो चैप्टर्स है वो हम आगे वाले क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे तब तक के लिए बाय और साथ में हाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जाते जाते आपको जो अपना वीडियो है इसके अंदर दस्ट दस सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब करना है इससे आपको जो भी अपने नोटिफिकेशन वगैरह रहेंगे ना क्लासेज के जैसे ये है अपने पास लिखा हुआ स्कूल का जो चैनल बना हुआ है यहाँ पर पद्मश्री एकेडमी इसके अंदर आप सब्सक्राइब लिखा हुआ रहेगा इसको सब्सक्राइब करना है ठीक है हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और सारे टीचर्स को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लेना और इसके सब्सक्राइब करने से आपको जो भी अपनी क्लासेज आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा ठीक है तो आज के लिए बहुत है हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें डिस्कस कर ली और होमवर्क आपको अच्छे से करना है टीचर्स के कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर जैसा आपको बताया हुआ है वैसे आपको सेंड करना है ओके okay. तो आज के लिए बहुत है ओके बाय एंड वन मोर थिंग स्टे होम एंड कीप लर्निंग है ना घर से बाहर नहीं जाना है ओके बाय बाय